क्योंकि कल ही हमने एक सबक सीखा है। तो हाँ, तो देवियों सजनों स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। नाना ना। तो देवी और सजनों वेलकम टू मोक्योग्राफी। तो देवी और सजनों स्वागत है आपका, तशरीफ़ रखिए। कुछ खाने और पीने के लिए तो वो भी ले आइए, हो सके आप ना लेकर आए, क्योंकि रमज़ान है मेरे भाई, और रमज़ान मुबारक सबको। मैंने 2-3-4 कुछ बातें करनी है आप लोगों से। तो बात नंबर एक ये है कि अपने तीसरे व्लॉग के दूसरे पार्ट में बोला था कि मैं एक हफ्ते में 2 व्लॉग्स करूँगा, लेकिन अब क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में लाइफ इतनी बिजी है तो मुझे टाइम नहीं मिलता व्लॉगिंग के लिए। तो अभी मेरा गोल ये है कि मैं एक हफ्ते में 1 व्लॉग करूँगा, और अभी मेरा 1 व्लॉग पेंडिंग भी पड़ा हुआ। तो आज फर्स्ट रमज़ान है, तो ये जो व्लॉग है ये 10वें या 12वें रमज़ान को आएगा। और मैंने ये सोचा था कि मैं रमज़ान में व्लॉगिंग नहीं करूँगा, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो बस ये मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि आप एक व्लॉग बनाओ, तो बस ये व्लॉग उसके कहने पे बना रहा हूँ। वैसे आज मैं व्लॉगिंग करने का मेरा दिल नहीं था, तो मेरा जो कल का दिन था रमज़ान से एक दिन पहले का, तो उसमें मैंने काफ़ी शूट किया हुआ था, तो मेरा समझे व्लॉग कल स्टार्ट हो रहा था। तो आप तब तक ये व्लॉग देखो, मैं ये खा लेता हूँ। ओहो व्लॉग बन रहा है, क्या हाल है आप लोगों के सबके, कैसी जा रही है ज़िंदगी? यार मेरी ज़िंदगी तो बड़ी ख़वार सी चल रही है। अभी अगर मैं बात करूँ अपने कल की, तो यार मैं कल मशपूरी गया था, और वहाँ पर मैंने फुल डिसाइड किया था कि मैं व्लॉग करूँगा, और मैंने अपने व्लॉग की शूटिंग भी की थी, लेकिन हुआ कुछ इस तरह के वहाँ जा के इतनी ख़वारी हुई थी कि व्लॉग बनाने का दिल ही उठ गया था। तो वहाँ पर व्लॉग तो नहीं बना, लेकिन थोड़े से सिनेमाटोग्राफी की थी मैंने, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, आप जाके देख भी सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, कल रात को मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक पिक्चर अपलोड की थी कैमरे की, और अ लॉट ऑफ पीपल टेक्स्ट मी दैट यू गॉट द कैमरा ब्रो, कांग्रेचुलेशन एंड ऑल दैट स्टफ। सो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो कैमरा मेरा नहीं था, मैं हसन के कज़न से लेकर आया था। अगर मैंने कभी कैमरा लिया तो उस कैमरे में सबसे पहले आपको एक रोड का माइक नज़र आएगा। अभी मैं जा रहा हूँ हसन के कज़न को देने कैमरा, और उसके बाद मैंने जाना है, 4 बजे हमने फ्री के चावल खाने हैं। कल रमज़ान भी आ रहा है, तो काफ़ी कुछ खाना पीना भी है हमने पेट भर के, क्योंकि आखिरी दिन है यार, पेट भर के खाओ। तो बस मिलते हैं आपसे वहीं पे, तब तक के लिए सी यू, टाटा। कैमरा वगैरह सब कुछ वापस करने के बाद अभी एहसन मेरी तरफ जा रहा है, और एहसन को लेके जाना था मैंने एक जगह पे, और हमने पहुंचना था 4 बजे, लेकिन अभी ये भोसलपुर का राजा इतनी देर करा रहा है, पता नहीं अभी टाइम बज रहा है 4:20, तो पता नहीं कब बाहर निकलेगा। आज हमारे गेमिंग की ओपनिंग थी, ओपनिंग इन अ सेंस मतलब कि पहले वो किसी और प्लाजे में होता था, उन्होंने शिफ्ट करके अब इस नए प्लाजे में लेकर आ गए हैं, और उन्होंने हमें दवा पे बुलाया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ व्लॉग तो नहीं कर सका, लेकिन फिर मैं नेक्स्ट टाइम कभी कर दूंगा व्लॉग गेमिंग का। तो बस यही, और अभी मैंने और ऐसे ने डिसाइड किया कि हमने जाना है सादकाबाद शूज़ लेने, और सादकाबाद का एक ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर मिक्स शॉप्स हैं, तो हमें अपनी चॉइस के जो शूज़ हैं वो मुश्किल ही मिले। तो अगर हमें वहाँ से मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें नहीं मिलते तो हमने वहाँ से जाना है जामिया मस्जिद, क्योंकि जामिया मस्जिद बिल्कुल है ही शूज़ की शॉप्स वगैरह, तो हमें वहाँ पे अपनी पसंदीदा शूज़ मिल सकते हैं। ये देखो यार, ये जहाज़ तैयार हो रहे हैं, हम इधर आए थे पुराने एयरपोर्ट, और यहाँ पर यह सीन है। यार पता नहीं मैंने किसका कत्ल कर दिया, जो मेरी लाइफ इतनी ख़वार वाली गुजरी है,
सारे मेरे दिन खुआर गुजर रहे हैं आजकल। मैंने शोज देने थे, पहले हम गए सादकाबाद से हमें कुछ मिला नहीं, फिर एहसन अभी मुझे लेके यहाँ पर आ गया। तो अभी एहसन यहाँ पे लुकिंग फॉर सम जूताज। ये सारी लाइफ हमारी ना खुआरी वाली हो रही है। कल एक खुआर हुआ इतना, ऊपर से आज इसने खुआर कर दिया वापस। ये बोसलपुर का राजा, पहले निकलता नहीं है घर से बाहर। आप जितने मर्जी ब्रांड से शॉपिंग कर लो, लेकिन जो मज़ा यहाँ पे है ना, वो ब्रांड का मज़ा है ही नहीं है। दिस प्लेस इज लिट ब्रो। इधर आपको 3,000 का जूता 800 रुपए में मिलता है। हम सरप्राइज अलग देते हैं। 800 के साथ सरप्राइज भी है। 800 के साथ नहीं, जहाँ पे हमारी डील नहीं होती वहाँ पे सरप्राइज है। 3,000 का जूता 800 में तो नहीं मिला, लेकिन 900 रुपए ट्राई 900 में मिल गया जूता नाइकी का। ये ब्रो सरप्राइज भी बहुत दी। सरप्राइज 3-4 पे सरप्राइज दिए हैं, चौथे ने दिया, अभी हम इसमें बड़ा सरप्राइज देंगे। क्योंकि कल ही हमने एक सबक सीखा है, वो सबक घर जाके बताऊंगा। यहाँ पे बताया तो इतना सरप्राइज मिल जाएगा। सरप्राइज मिलने रात के 2 बजे पेट्रोल ख़त्म हो जाए। जब आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए और आप ऐसे खुआर होते हुए जैन भाई से जूते भी घर छोड़ के भाई फौसलपुर का राजा, अभी वापस जैन भाई के घर जाना है और बूट उठा के लाने, अब क्या करें यार। आज सही खुआर कर रही है। एक और सरप्राइज़ हमने जैन भाई को दिया है। अब पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने और एहसन ने आना घर से शूज़ उठाने, लेकिन हमारे साथ स्ट्रेटजी क्या हुई वहाँ पर, क्योंकि मैं ट्राउज़र में था तो मेरे पास वॉलेट तो था नहीं और एहसन के पास पैसे नहीं पड़े हुए थे। तो पेट्रोल डलवाने के बाद जब देखा ना मेरे पास पैसे हैं ना उसके पास पैसे हैं, तो अभी मैं उसको पेट्रोल पम्प पर खड़ा करके आया हूँ और यहाँ से अभी मैं पैसे लेके जाऊँगा और शूज़ लेके जाऊँगा। और अभी सारी खवारी काटने के बाद अभी मैं फाइनली फ्री हूँ और अपने घर पहुँचूँ। एहसन को मैं घर उतार के आ गया हूँ। और हाँ, एक बात सबक वाली बात कि मैंने आज क्या सबक सीखा, तो यार वो सरप्राइजेज जितने भी बात कर रहे थे, सरप्राइजेज का मतलब है कि गैस नहीं हो जाती है। गैस तो यार सबक ये सीखा था कि हम जब मुशपुरी जा रहे थे तो हमारे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, तो उसको कहीं गैस हो गई थी तो उसने रिलीज़ नहीं की। तो एक दफ़ा उसने रिलीज़ की तो पीछे बैठा हुआ लड़का उसने परफ्यूम किया, तो अब उसने कहा कि ना मैं पकड़ा जाऊं, तो उसने बस अंदर ही अंदर आप समझें। तो इस तरह करते करते ना वो गैस उसके दिल पर चढ़ गई थी, तो उसका दिल उसका जो सीना था काफ़ी सूज गया था। तो उसके साथ जो लड़का उसका बैठा हुआ था काफ़ी ज़्यादा उसकी मालिश वगैरह कर रहा था, तो एकदम उसको झटके लगने लग गए। तो जैसे ही उसको बस हमने रुकवाई थी तो जैसे ही हमने से बाहर निकाला वो ठीक हो गया था। तो इसका मतलब ये था कि उसने सारी बाहर गैस निकाल दी थी तो ठीक हो गया था। तो सबक इससे ये सीखते कि आपको जहाँ भी गैस है आप मार दो, अगर आप संभाल के रखोगे तो आपके दिल पर चढ़ जाएगी, तो आपके दिल का मसला भी हो सकता है। तो ये आज मैं आपको फ्री का मशवरा दे रहा था, तो आइंदा इसको अप्लाई किया करें। तो बस आज का ब्लॉग यहाँ पे ही एंड होता है। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टाटा अल्लाह हाफिज़। गला मेरे पैसा मुझे ये डोनेट कर रहे हैं, वो भी 10 रुपये। यार वो नहीं चाहता कि तू डाल, बहुत पतला करके डाल। दस, बीस रुपये हो गए, वापस करेगा जब कितने इंटरेस्ट के साथ 10% जो 10% और कितना कंपाउंडिंग, ये 20 रुपये।